हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। मैं प्रीति आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज है सेकंड नवरात्रि और आज मैं बनाने वाली हूँ सामक के चावल से चीला। तो चलिए बनाते हैं सामक के चावल से चीला। सबसे पहले उसको मैं करने वाली हूँ मिक्सर में ग्राइंड, उसके बाद बनाऊंगी आलू मिलाकर। तो दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती। तो गाइस, इसमें मैं डालने वाली हूँ एक कटोरी ये सामक चावल, में ये लाल मिर्च, ब्लैक पेपर पाउडर हल्का सा, साथ में डालने वाली हूँ नमक, ये पिस चुका है इसको एक मैं डाल दूंगी। इसमें डालेंगे अभी आलू, मैश करके डालूंगी अभी। सो गाइज, अब इसमें मैं दो आलू मैश करूंगी, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी देख लूंगी कि थिक है, जिससे कि चीला बन जाए उस तरीके से। और मैं इसको मिक्स करके देख लेती हूँ कैसे रहेगा। सो गाइज, इसकी कंसिस्टेंसी तो ठीक है, आलू डालने के बाद ठीक कर दिया मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स करके। अब मैं इसके साथ लेने वाली हूँ आलू की, सूखे आलू की थोड़ी सी सब्जी बनाऊंगी टमाटर डाल के। तो चलिए बनाते हैं पहले आलू की सब्जी, उसके बाद बनाते हैं गरम गरम चीले। घी मैंने इसमें डाल दिया है, अब डालूंगी इसमें जीरा, तो थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट होने के बाद मैं डालूंगी इसमें टमाटर। सो गाइज, अब इसमें डालूंगी मैं टमाटर। इसमें जाएगा नमक, काली मिर्च थोड़ी, इसको भून के थोड़े कच्चे कच्चे रखूंगी, क्योंकि कल भी मैंने बोला था मुझे तो कच्चे कच्चे ही अच्छे लगते हैं, सब्जी में टेस्ट अच्छा आता है। इसके बाद मैं डालने वाली हूँ आलू, थोड़ा सा भून जाए फिर। तो गाइस, ये हो गए हैं थोड़े थोड़े, डालने वाली हूँ मैं आलू, मैंने मैश कर लिए हैं। अब थोड़ा सी देर इनको भी मैं पका लेती हूँ इसमें डाल के। तो गाइस, सब्जी तो रेडी है, अब बनानी बारी आती है चीले की। तो मैं चीला बना लेती हूँ फटाफट से और भोग लगा के माता रानी को, उसके बाद गाय का निकाल के फिर खाते हैं। गाइस, अब बारी है चीला बनाने की। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें घी, फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बैटर, जिस हिसाब से आपको बनाना, बड़ा बनाना है छोटा बनाना। अब इसको हम थोड़ा सा हाथ से कर दो, चम्मच से कर दो, मैं तो हाथ से ही कर देती हूँ, कोई इतनी तरीके नहीं है, आराम से लगा हाथ से, ज़्यादा आराम से होता करती। गाइस, चीला बिल्कुल रेडी है, देखो अमेजिंग। खाना है रेडी, आलू की सब्जी, रायता और चीला, बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। भगवान का मैंने भोग लगा दिया है, गाय का मैंने निकाल दिया है, अब बारी है खाना खाने की। तो चलिए मिलके खाते हैं खाना।